फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में हमने जो टॉपिक अभी तक किया, उस टॉपिक में जितनी भी वायर्स हमने ली वो स्ट्रेट वायर्स ली, हमने कभी टेढ़ी मेढ़ी वायर ली नहीं। स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स BIL साइन 90 कर दिया। पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि वायर हमेशा स्ट्रेट हो, वायर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। टेढ़ी मेढ़ी वायर इज कैरिंग अ करंट ऑफ I एंड लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो फिर उसका फोर्स का फॉर्मूला में लेंथ क्या लेंगे, राइट? तो इसके लिए रूल है कि अगर मान लो ये रेड कलर की वायर है जिसमें आई करंट है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, टूवर्ड्स राइट है, तो रेड कलर की जो वायर है वो स्ट्रेट तो है नहीं। जबकि अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखें जो कि आई इंटू एल क्रॉस बी है, या आई इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर है, एल वैक्टर इज अ वैक्टर, एल के ऊपर क्या लगा है, वैक्टर, और एल वैक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट अ डिस्टेंस। तो आप इसकी लेंथ नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे, आपने इस क्वेश्चन में ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ए और इसको ज्वाइन कर लें। अब आप जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो ए डी लेंगे कि डी ए लेंगे, वो करंट डिसाइड करेगा, करंट कहाँ जा रहा है, ए से डी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, बी आई लेंथ की जगह क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए डी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या लिया जाएगा, एंगल लिया जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें क्या करेंगे, बी आई, बी आई एल साइन थीटा। अब जैसे सपोज ये एक लूप है, करंट जा रहा है घूम के वहीं पे आ रहा है, तो बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, जीरो। करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है एंड भी वहीं पर हो रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे लूप की क्या है, जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फिर फोर्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो एक क्लोज लूप के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, जीरो। क्लियर है यहां तक? अच्छा ये ले लेते हैं, इसके अंदर ये करंट गया ए से और घूम फिर के कहां पर आ गया, ए पे। तो बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, करंट की जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स क्या लगाएगा इस पे, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आंसर इसका नेट आंसर जीरो आएगा। पर चलो मैंने नेट आंसर नहीं पूछा, मैंने ये पूछ लिया अलग अलग बताओ कि सेमी सर्कल के अंदर जो स्ट्रेट वायर देख रहे हो एडी, एडी वायर पे क्या फोर्स लगी, बस ये बता दो। पूरे पे ना बताओ, पूरे पे तो मेरे को पता लगा कि जीरो है, सिर्फ एडी पे क्या लगी। तब मैं पूरे को भूल जाऊंगा, सेमी सर्कल को सिर्फ एडी देखूंगा, तो एडी पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट एडी लूंगा कि डीए लूंगा, एडी, क्योंकि करंट कहां से कहां जा रहा है, ए से डी, तो ए से डी जा रहा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट एडी लूंगा जो कि कितनी है, 2R। और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो लेंथ और बी में एंगल कितना है, 90। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी आई लेंथ की जगह 2R साइन 90। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, बी आई लेंथ की जगह 2R, ए और डी के बीच में डिस्टेंस और साइन ऑफ 90। तो एक आंसर आ गया, डायरेक्शन बोलो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है, राइट, फोर्स कहां है, ऊपर। तो अगर सिर्फ एडी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये ना कहना कि भाई एडी के फोर्स नहीं लगती क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ना, एडी पे लगती है, पोर्शन वायर के ऊपर फोर्सेस तो लगती हैं पर नेट अफेक्ट जीरो आ जाता है, वो बात अलग है। तो एडी पोर्शन पे फोर्स क्या लगती है, बी आई इंटू टू आर अपवर्ड्स, पहला पॉइंट क्लियर है। अब किसी ने पूछ लिया मुझे एडी नहीं चाहिए, मुझे तो सेमी सर्कल आर्क चाहिए, ये जो आर्क है इस पे नेट फोर्स बताओ क्या है। अब आर्क स्ट्रेट नहीं है, और अगर स्ट्रेट नहीं है तो हमें क्या ज्वाइन करना होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। अब अगर मैं यहां से यहां डी से ए पे आता हूं तो स्टार्टिंग और एंडिंग को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, डी ए। तो मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये रहा। तो अगर मैं सेमी सर्कल को तो ले नहीं सकता, सेमी सर्कल के डी और ए को ज्वाइन करूंगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक, इमेजिन करना है, सेमी सर्कल तो बनाना नहीं। तो अगर आप इस वायर को भूल जाओ, सिर्फ सेमी सर्कल देखो, तो डी और ए को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो आपको डी ए में जो आपने डायग्राम बनाया सेमी सर्कल की जगह, करंट लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है,
कैसे डिसाइड करेंगे? सेमी सर्कल में करंट ऐसे है, कहाँ से जा रहा है? डी से ए। तो आप भी अपने मन में डायग्राम क्या लोगे? डी से ए। तो कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये डायग्राम फिर से बना दिया आपने, फिर से नहीं बनाया, ये तो हो गया केस सॉल्व। अब मैंने इसकी जगह ये बनाया है बाई ज्वाइनिंग डी एंड ए, और करंट मैंने यहाँ कर दिया। तो अब इसमें बताओ फोर्स क्या लगेगी? बी आई टू आर साइन 90, डायरेक्शन फोर्स की बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ है? नीचे। क्लियर है? आप एक चीज़ बताओ, अगर आपने ये पोर्शन लिया, यहाँ पर फोर्स बी आई इंटू टू आर ऊपर, ये पोर्शन लिया तो इसकी जगह बी आई आर, बी आई इंटू टू आर नीचे, तो नेट फोर्स पूरे लूप पे क्या बनेगा? ऊपर और नीचे की फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल, और नेट आंसर क्या आएगा? वो तो हमने पहले निकाल लिया था, नेट आंसर जीरो है। इसमें अब ये नहीं सोचना कि ये दो सेगमेंट ले लिया आपने, आपने कहा कि सर इसने ऊपर बी लगाया, इसने इसके ऊपर बी लगाया, नहीं, ये एक डायग्राम है और इसको एक्सटर्नल बी में रखा गया, ये आपसी जो फोर्स लगा रहे हैं वो निगलेक्ट की गई। तो पूरे लूप पे एक्सटर्नल ने कितनी फोर्स लगाई ये क्वेश्चन है, एक दूसरे पे क्या लगाई वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में बताओ, ये फिर से सेमी सर्कल है, तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? जीरो। नेट फोर्स क्या आएगी? जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि करंट जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे घूम के वापस नहीं आया, तो करंट यहां गया, करंट यहां भी गया। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में जब डीए लेंगे, डीए फिर से सेम केस है, डीए करंट क्या है? आई। डिस्टेंस क्या इनके बीच में? टू आर। तो इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बी आई इंटू कितना? टू आर साइन 90। क्लियर है? डायरेक्शन बी कहां पर है? बोर्ड के अंदर। करंट कहां पर है? ये रहा। फोर्स कहां पर है? नीचे। आगे एक आंसर। अब अगर मैं डी से लेके ये पोर्शन लेता हूं तो अपने मन में मेरे को स्ट्रेट लेना पड़ेगा डी और ए को ज्वाइन करके, करंट ये रहा, तो अगेन बी इंटू आई इंटू टू आर, तो बी बोर्ड के अंदर है, फोर्स कहां पर है? नीचे। अब देखो सेमी सर्कल की वजह से फोर्स नीचे, स्ट्रेट वायर की वजह से फोर्स नीचे, नीचे और नीचे की फोर्स आपस में ऐड हो जाएगी और नेट फोर्स क्या आएगी? दोनों को ऐड करके, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है? अगर करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है फिर तो नेट फोर्स जीरो, पर अगर ऐसा डायग्राम है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। क्लियर है? ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये 30 डिग्री एंगल है, ये करंट कैरिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो ये करंट कैरिंग रॉड कैसी है ये समझने के लिए आप ऐसे समझो, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ये करंट कैरिंग रॉड है, ये करंट कैरिंग रॉड ऐसे पड़ी है, ये रही। तो आपको यहाँ का सिर्फ सर्कल दिख रहा है इस तरफ से, तो ये ऐसे, ये नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्लाइड करेगी करेगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब ये करंट कैरिंग रॉड है, इसका वेट अगर mg है, रादर इसमें आपको मास नहीं गिवन, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, कोई बात नहीं, अगर मास पर यूनिट लेंथ गिवन है तो मुझे ये बताओ कि यहां पर इसको कौन नीचे लेके आएगा? mg sin 30, याद है लॉज ऑफ मोशन, mg sin 30। तो ये फटाफट नीचे आएगी आएगी। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड पड़ी हुई है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। कितनी? बी आई एल साइन 90, क्योंकि लेंथ और बी में एंगल कितने हैं? 90, बी आई एल साइन 90 है ना। तो करंट में इस रॉड में करंट या तो बाहर होगा या अंदर होगा, लेंथ या ऐसी होगी ऐसे होगी, बी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो लेंथ में और बी में एंगल 90, तो बी आई एल साइन 90। अब डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? मुझे ये नहीं गिवन कि करंट इसमें अंदर है या करंट इसमें बाहर आ रहा है, यह आपने सोचना है। अगर B ऊपर है और करंट इनसाइड है तो फोर्स कहां लगेगी? इधर। लेकिन अगर करंट, अगर B ऊपर है करंट आउटसाइड है तो B कहां लगेगा? इधर। फोर्स कहां लगेगी? इधर। तो मेरे को मेरी फोर्स इधर चाहिए। क्यों चाहिए बताता हूं, क्योंकि B इधर है,
करंट अंदर होगा तो फोर्स इधर, क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगेगी बी आई एल लगेगी, और ये 30 तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये 30, तो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट यहां चला जाएगा बी आई एल कॉस 30, याद है ऐसे। तो इस फोर्स का कॉम्पोनेंट यहां चला गया, तो ये जो फोर्स का कॉम्पोनेंट है वो बैलेंस करेगा एम जी साइन 30 को, तो रॉड नीचे नहीं आएगी। पर जैसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते जीरो, तो आपकी ये फोर्स भी क्या हो जाएगी जीरो, तो रॉड अपने आप नीचे आ जाएगी। तो इस केस में इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके आपको मास की जो वैल्यू गिवन है, वो मास नहीं गिवन, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो आपको रॉड की लेंथ तो गिवन ही नहीं है, तो आप फोर्स के फॉर्मूले में बी आई एल कॉस 30 पुट करो, लेंथ तो पता ही नहीं आपको, और मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, जो कि कितना गिवन है 0.03, तो 0.03 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा। इन्हें इक्वेट करते हैं तो एल की एल से एल कैंसिल और क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके 120 60 डिग्री वाला, ये रिपीट है क्वेश्चन।